कमल भीजे पानी। अब बताओ भाई, पानी बरसता है कमल भीजता है कि कमल बरसते हैं पानी भीजता है? ये कबीरदास जी की अटपटी वाणी जल्दी नहीं समझ में आएगी। ऐसे ही तुलसीदास जी के ये महामंत्र जब तक गुरु मुख से नहीं सुनोगे तब तक समझ में आने वाले नहीं है। इसलिए ग्रंथ गुरु परंपरा के होते हैं। मनमुखी परंपरा से नहीं पढ़ना चाहिए और खोपड़ी खराब नहीं करना चाहिए पड़ोसियों की। पढ़ लेते हो ऐसा क्यों लिखा है, ये हम नहीं मानते ऐसा, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं 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 नहीं। गुरु की शरण में जाओ, गुरुमुख होकर के ग्रंथ सुनो। भगवान राम भी जब नरडीला कर रहे हैं तो वेद पुराण वशिष्ठ वखाने सुन ही राम यद्यपि सब जाने। परंपरा दी उन्होंने, सुन ही राम यद्यपि सब जाने। भगवान कहते हैं एक ललित लीला है उसका तुम सहयोग करो। तुम पावक मह करहु निवासा जब लग करो साचरणासा प्रभु पद धरहिए अनल समानी जब ही राम सब कहा बखानी। किशोरी जी के लिए ये ललित लीला ही होगी। क्यों? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। बोलो भगवान किससे प्रकट हुए थे, जल्दी बोलो। अग्नि से प्रकट हुए थे। भगवान किससे प्रकट हुए? अग्नि से। ऋषि संस्कृति में भगवान का जन्म हुआ है और कृषि संस्कृति में श्री सीता जी का जन्म हुआ है। श्री सीता जी कृषि संस्कृति हैं और भगवान राम ऋषि संस्कृति हैं। और इस देश में तीसरी कोई संस्कृति नहीं, कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति, इन दो की प्रधानता है। आज भले ही नेता राजनीतिक मंच से ये कहता हो कि भारत केवल कृषि प्रधान देश है, लेकिन मैं कहता हूं ये सीताराम प्रधान देश है भारत, और राम ऋषि संस्कृति के प्रतीक हैं और सीता जी कृषि संस्कृति की प्रतीक हैं। इसलिए भारत ऋषि प्रधान भी है और कृषि प्रधान भी है, दोनों की प्रधानता है। लेकिन आज रोना पड़ रहा है इन राजनीतिकों ने कुर्सी हथियाने के लिए। ना तो भारत को ऋषि प्रधान रहने दिया, ना कृषि प्रधान, कुर्सी प्रधान कर दिया, केवल कुर्सी प्रधान हो गया कुर्सी प्रधान। आज कुर्सी हथियाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या प्रलोभन देते हैं इलेक्शन में। ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, क्या चाहिए ये भी लो, सब लो, हैं हैं, केवल वोट दो, बाकी क्या चाहिए, तुम्हारी डिमांड क्या है। जो भी डिमांड लोग करते हैं वो देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी सीट ना जाने पावे, चाहे जैसे हम लोकसभा हो अथवा विधानसभा हो, हम चुन के पहुंचे हैं। सारे नैतिक मूल्यों की हत्याएं कर दी जाती हैं, संपूर्ण मर्यादाओं को चकनाचूर कर दिया जाता है और कुर्सी हत्याई जाती है। ये विडंबना भारत की है। कृषि और ऋषि तो दूर हो गया साहब। आज किसानों को कितने प्रलोभन दिए जा रहे हैं, श्रमिकों को कितने प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि आज श्रमिक आलसी हो गया है और कृषि से दूर होता जा रहा है, अकर्मण्य और प्रमादी हो रहा है। बोलो ये कृषि के साथ ना इंसाफी हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारे स्वामी सत्प्रज्ञानंद जी अपनी व्यथा सुना रहे थे आपको, जब मंच प्रारंभ किया है और संतों को संबोधित कर रहे थे, उसी मध्य में उन्होंने अपनी व्यथाएं सुनाई, आप सुन रहे थे। सावधानी से सुनना मेरी बात को। अग्नि से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और जिससे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, सीता जी उसी अग्नि में अपना प्रसन्नता से समर्पण चाहती हैं, क्योंकि मेरे स्वामी का प्रादुर्भाव अग्नि से हुआ है, इसलिए मेरा समर्पण अग्नि में ही होना चाहिए। बोलो भाई, जगन्नाथ भगवान का प्रादुर्भाव जिस स्थल से हुआ है,
आप अपना जीवन वहां निच्छावर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? जाते हैं ना वहां, समर्पण करते हैं। भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव राम जन्मभूमि पर हुआ तो बोलो आज विश्व की जनता उस स्थान को प्राप्त करने के लिए प्रण प्राण से संकल्पित है। बोलो है कि नहीं कि हमारे श्री राम का प्रादुर्भाव प्राकट्य स्थल है, प्राकट्य स्थल है। इसलिए मैं हम मरने के लिए तैयार हैं, हम प्राण दे सकते हैं लेकिन राम जन्मभूमि को जाने नहीं देंगे, ऐसा संकल्प हमारे हिंदुओं का सनातनियों का है। और राम तो सबके हैं, सभी चाह रहे हैं। आज प्रभु पद धर ही अनल शमानी, जब ही राम सब कहा बखानी। अग्नि बहुत प्रिय है, मेरे स्वामी का प्राकट्य स्थल है, प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए किशोरी जी प्रसन्नता पूर्वक समर्पण कर देती हैं और अग्नि में समाहित हो जाती हैं। लीला पूरी हुई। अब बताओ भाई, जो असली सीता जी थी वो अग्नि में प्रवेश कर गई और माया की सीता लीला की सहयोगी बन गई, तो आप कल्पना करो यहां हनुमान जी का माया का रूप, श्री राम जी का माया का रूप, और श्री किशोरी जी जो लंका में गई वो भी माया का रूप। अब बोलो माया ही माया हो गई कि नहीं? भगवान राम ने कहा कि जब तक तुम असली रूप में प्रकट नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हें स्वीकार करने वाले नहीं हैं। एक और बढ़िया बात इसी क्रम में आ रही है, भंजन धरणी भार कह तुम अखिल भुवनपति। आप अखिल भुवनपति हैं। भगवान ने कहा अखिल भुवनपति, अब दोबारा मत बोलना अखिल भुवनपति का शब्द, क्योंकि मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है शब्द सुन के, और दोबारा मत दोहराना क्योंकि तकलीफ बहुत हुई है। किससे? अखिल भुवनपति संबोधन से तकलीफ हुई? हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ा संबोधन है तुम्हारे द्वारा अखिल भुवनपति का। मेरे पिताजी ने तो केवल इतना कहा था कि मैं अयोध्यापति बनाना चाहता हूं। मेरे पिताजी ने केवल इतना ही कहा था कि राम तुम्हें मैं अयोध्यापति बनाना चाहता हूं। वो अयोध्यापति बनाने की परिणति ये हुई कि 14 साल का वनवास मिल गया। वो अयोध्यापति के इलेक्शन में क्या जिंदगी भर का वनवास चाहते हो? इसलिए मैं अखिल भुवनपति भी नहीं हूं। कह तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपकी वाणी ये सिद्ध कर रही है कि आप ब्रह्म हैं। वाणी से परिचय, स्वरूप से नहीं। किससे? वाणी से। स्वरूप से आप भेष देख करके थोड़ा प्रभावित हो जाओगे, लेकिन हमारे जैसा भेष, संतों जैसा भेष तो और भी लोग बना सकते हैं, तमाम लोग भेष बना लेते हैं, लेकिन असली परिचय भेष नहीं है, असली परिचय है वाणी, चरित्र, करैक्टर, संयम, ये असली परिचय है। नहीं तो भेष तो कोई भी बना सकता है। हनुमान जी ने कहा आपकी वाणी से मैं पहचान गया कि आप ब्रह्म हैं। कैसे? कहा अभी अभी आप कह रहे थे कि कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वै देही विप्र फिरे हम खोजत तेही, आपन चरित कहा हम गाई कहो विप्र निज कथा बुझाई। तो आपकी वाणी ये सिद्ध कर रही कि आप ब्रह्म हैं, क्योंकि आपने रोने वाली कथा गा के सुनाई। और जीव के ये लक्षण ही नहीं है। हाँ भाई, आपको ये कहना चाहिए था कि यहाँ हरि निश्चर वै देही विप्र फिरे हम खोजत तेही, आपन चरित कहा हम रोई। ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन गाई। इसका मतलब है कि आप ब्रह्म हैं। कैसे? जीव में और ब्रह्म में यही अंतर है।
जीव में और ब्रह्म में यही अंतर है। ओ हो, एक बज के 20 मिनट हो गया, चलो 10-5 मिनट और चलाएं, 1:30 बजे के बाद फिर भोजन भी करने दोगे कि खाली यही करवाओगे स्वामी जी? थोड़ा बहुत तो आधार रूप में कुछ ना कुछ ले लिया जाए तो ठीक ही है। चलो आज 10 मिनट की बात और सुनाएं, 1:30 बजे तक जो है मंच, इसके बाद में फिर सायंकालीन वेला में भी हम लोगों को उपस्थित होना है। बहुत अच्छा निरूपण, केवल 10 मिनट में। ब्रह्म और जीव, हनुमान जी ने कहा जीवात्मा में और परमात्मा में, जीव में और ब्रह्म में इतना ही अंतर है, जीव दुख में रोता है और सुख में गाता है, लेकिन ब्रह्म सुख में भी गाता है और दुख में भी गाता है, दोनों में ही गाता, वो रोता है ही नहीं। ये तो जीव के लक्षण है कि वो सुख मिला तो गाने लगा और दुख मिला तो रोने लगा। हनुमान जी ने कहा सरकार जीव की कहानी दुख से शुरू होती है और चिंता में समाप्त हो जाती है, ये जीव की कहानी। जीव की कहानी दुख से शुरू होती है और चिंता में समाप्त हो जाती है, लेकिन परमात्मा की कहानी सुख से शुरू होती है, आनंद में समा जाती है, यही है जीव और ब्रह्म का अंतर। और आज मैं यही दर्शन कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं मेरे पिता का मरण हो गया, पत्नी का हरण हो गया, हम गा के सुना रहे, ये रोने वाली कथा आप गा के सुना रहे, छिपाइए नहीं अपने आप को, मैं चरणों में ही रहूंगा और चरणों से मुझे पृथक मत कीजिए। श्ले प्रभु पहचान पर गही चरना सो सुखे उमा जाए नहीं बरना। भगवान ने कहा लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, आने में विलंब कर दिया आपने, अगर आप चित्रकूट में आ गए होते, भाई ये लोग थोड़ा सा, हमने कहा ये चेले हैं हमारे वैसे, लेकिन गवर्नर के अधिगम हैं। अच्छा, ये चेले जरूर हैं मेरे, लेकिन 6 फीट 6 अंगुल ऊंचे हैं हमसे। हाँ, है ना भाई, हनुमान जी का रूप देख लीजिए आप और राम जी का रूप देख लीजिए, लेकिन फिर राम जी जब विराट रूप दिखाते हैं तो हनुमान जी को सोचना पड़ता है फिर, है ना। तो प्रभु पहचान प्रभु गहि चरणा, एक निवेदन है मेरा, प्रभु चरणों से दूर मत करिए। भगवान ने कहा समस्या यह है कि चरणों से मैं दूर तो नहीं करता, लेकिन चित्रकूट में आ गए होते, 11.5 वर्ष तक मैं रहा, अगर आप चित्रकूट में आ गए होते तो चरण में जगह मिल जाती, क्योंकि जितने तीर्थ हैं समस्त तीर्थों के संत 11.5 साल के अंदर चित्रकूट आते गए, और सब एक ही डिमांड करते गए कि थोड़ी सी जगह चरण में दे दो, थोड़ी सी जगह चरण में दे दो, थोड़ी सी जगह चरण में दे दो। अब जितने महात्मा थे सब यहीं बैठ गए, जगह खाली नहीं, कहां से दूं तुम्हें बैठने को जगह, जब जगह खाली नहीं तो कहां से दे दूं। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, तो और कहीं जगह है? भगवान बोले हाँ, मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में है, आओ हृदय में बिठा लो। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तो हृदय में बैठ जाऊंगा। और जैसे ही हनुमान जी हृदय में प्रवेश करने ही वाले हैं, तब तक भगवान राम बोले रुको 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 रुको, हृदय में कोई बैठा है अंदर पहले से, हृदय के अंदर कोई पहले से ही बैठा हुआ है। अच्छा बोलो, नारायण के हृदय में कौन बैठी हैं? श्री लक्ष्मी जी बैठी हैं, लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि, हृदय में किसका वास है? श्री लक्ष्मी जी का वास है। अब बोलो भाई, हृदय में अगर लक्ष्मी जी का वास है तो राम जी के हृदय में किसका वास है? श्री सीता जी का वास। अनंत रूप है श्री किशोरी जी के, ऐसा मत मानना कि एक ही रूप है। जैसे नारायण के हृदय में श्री लक्ष्मी जी का वास है, वैसे ही
भगवान राम के हृदय में श्री किशोरी जी का वास है। रुको रुको हनुमान, कोई बैठा है हृदय में। तो हनुमान जी ने कहा, कौन बैठा है प्रभु? कह ये मत पूछो कौन बैठा है, बस मैं कह रहा हूं कोई बैठा है, अब तुम क्या डिसीजन ले रहे हो बोलो। हनुमान जी बोले, नहीं मैं डिस्टर्ब करने नहीं आया हूं, आपके हृदय में कोई बैठा है, मैं प्रणाम कर रहा हूं उसे, तो अब क्या करूं, ना चरणों में जगह खाली, ना हृदय में जगह खाली, अब क्या करूं मैं। लक्ष्मण जी बोले, जैसे हम साथ साथ चल रहे हैं वैसे तुम भी साथ साथ चलो, परेशान मत करो कि चरण में जगह दे दो, हृदय में जगह, जब मैं साथ साथ चल रहा हूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है साथ साथ चलने की। अगर ज्यादा ही सेवा 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 स्वीकार कर रहे हो तो साथ में चलो ना। हनुमान जी ने कहा, चलूं तो साथ में लेकिन स्थान भी तो मिलना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले, मुझे कौन सा स्थान मिला है? हनुमान जी ने कहा, मैंने सुना है भरत जी कह रहे थे, आय धन लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंद अनुरागी, जीवन लाभ लखन भल पावा ओ सब तजी राम चरण मन लावा। राम चरण मन, तो आपको तो अयोध्या ही में चरण मिल गए, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मुझे तो मिले ही नहीं, और मिल रहे हैं तो कह रहे दूर हो जाओ प्रभु, अब क्या करूं। प्रभु प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि 1:30 बज रहा है और पंगत का टाइम हो रहा है, इसलिए अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि चरणों से दूर और भोजनों से दूर हो जाए तो क्या मतलब, भोजन तो कम से कम समय से मिल जाएगा, इसलिए प्रभु अब मैं भंडारे में जा रहा हूं, आपको दंडवत कर रहा हूं। भगवान ने कहा, फिर भंडारे के बाद बोले, बस फिर चला जाऊंगा जगन्नाथपुरी और क्या करूंगा फिर, अब तो जगन्नाथ भगवान की शरण में जाऊंगा, क्या करूं जब आपके पास जगह ही नहीं है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड नहीं रह सकता हूं हनुमान, मैं सीता के बिना रह सकता हूं, मैं लक्ष्मण के बिना रह सकता हूं, लेकिन हनुमान के बिना मैं नहीं रह सकता हूं। हनुमान जी ने कहा, रहने के लिए थोड़ी जगह भी नहीं दे रहे हो, मेरे बिना रह नहीं सकते हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हनुमान जी ने कहा, ये तो आप जानो, जैसे चलने लगे तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने समस्या है, क्या तुम्हारे सामने भी समस्या है? मेरे चरणों में महात्मा बैठे हुए हैं, पद राजीव वरण नहीं जाई, मुनि मन मधुप वसे जिन माही, चरणों में संत बैठे हुए हैं, मैं किसी संत को हटा नहीं सकता हूं, चरणों में जगह नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे हृदय में स्थान खाली नहीं है, मेरे चरण में जगह खाली नहीं है, मेरे हृदय में जगह खाली नहीं है, मेरे हृदय में और संत और चरण में दोनों में एक में संत बैठे हैं और मेरे हृदय के अंदर कौन नहीं जानता है, तुम भी समझ रहे होगे कि कौन बैठा है, मेरे चरणों में जगह नहीं है, मेरे हृदय में तुम्हारे बैठने के लिए जगह नहीं है, लेकिन हनुमान क्या तुम्हारे हृदय में मेरे बैठने के लिए जगह नहीं है? अपने हृदय में तुम जगह दे दो, मैं तुम्हारे हृदय में सदा बैठा रहूंगा और गुजारा करता रहूंगा। हनुमान जी ने उसी समय हृदय फाड़ दिया। वंदहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। बसहि राम सरचाप धर, भगवान हनुमान जी के हृदय में बैठ गए। बोलो प्यारे, ये समर्पण की पराकाष्ठा है कि नहीं? ये समर्पण की पराकाष्ठा है, इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान के श्री चरणों में तुम्हारा मन वचन कर्म से समर्पण हो जाए, जो शास्त्रों की मर्यादा है उस मर्यादा के प्रति तुम्हारा समर्पण हो जाए, जो पूर्वाचार्यों ने हमें मार्ग दिया है, मार्ग हमारा प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर महाजनों येन गतः शपन्था, उस मार्ग पर हम चल जाएं तो हमसे भगवान दूर नहीं है। हम
या तो भगवान के हृदय में होंगे या भगवान हमारे हृदय में होगा, लेकिन समर्पण की पराकाष्ठा आपके जीवन में आ जाए। अब बज गया है पूरा डेढ़, इसलिए दो बार कर लो कीर्तन, शेष चर्चा होगी रात्रि में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय, नारायण भगवान की जय, जय जय सीता राम, हर हर महादेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय, समस्त संत वृंद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, श्री श्री मृत्युंजय महायज्ञ की जय, श्री गूढ़ेश्वर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम आनंद में आप सब मग्न थे, और यही तो राम कथा हरि कथा का प्रभाव है। मैं एक बहुत ही खुशखबरी आपको सुनाना चाहता हूं, बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी